जी, मेरा नाम अफरोज अंसारी है। अफरोज, ये पीछे जो तो पूजी जा रही है किसके लिए? ये मुख्तार अंसारी साहब के लिए पूजी जा रही है। कितनी साइज होगी? लंबाई 7.5 फुट, गहराई 5 फुट और चौड़ाई 3.5। बताया जा रहा है कि ये कब्रिस्तान इन लोगों का पुश्तैनी, इनके परिवार के लोगों को इसमें दफन किया जा रहा है। जी जी जी। कितना पुराना है ये? बरसों से हम लोग का होश नहीं रहा तब से, बाप दादा उनका परदादा सब लोग। आपके साथ जो भी और कब्र खोदने में और कौन कौन सहयोगी में है? जी, कब्र खोदने वाले तो दो लोग अलग है, गिरधारी और रमेश। हम तो यहाँ के देख रेख मुजावर है। वो लोग इस काम में कितने दिनों से लगे हुए हैं? उनका पहले वाली साहब उन लोगों बाप दादा किया करते थे, अब वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में तो क्या उन लोगों को कब्र खोदने को मजदूरी मिलती है या क्या? कैसे? देखिए, वो लोग बहुत दिल से, वो घर के लोग हैं जो लोग कब्र को खोद रहे हैं, वो खुशी में को, मतलब अब नहीं होता है, उनका काम ही है। वो पैसा लोग नहीं लेते हैं। इधर से भी गरीबों के मसीहा ही हैं लोग, क्या मिल जाता है क्या दे देंगे, कोई ठीक नहीं है। बड़ा सा बड़ा चीज दे देते हैं लोग, तो कोई लोग पैसा नहीं मांगते। क्या अभी कब्र में कुछ काम बाकी है? नहीं, कब्र का काम फाइनल हो चुका है, वो बैरिकेडिंग किया जा रहा है। लोग पब्लिक आएगी तो मतलब आसानी से आपको ऐसे में यहाँ पर जो उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा तो नमाज का रस्म का यहाँ हो गया कहीं? नहीं नहीं, वो सतह बाग में होगा। सतहवा बाग है, एक वो फील्ड है, उसमें होगा। उसमें लगभग कितने लोगों की मतलब नमाज पढ़ने की क्षमता है? आप कितने लोगों उसमें? उसमें तो अब एक फील्ड आगे है, एक फील्ड पीछे है। उसमें लगभग कितने संख्या लोग? 10-15 हज़ार लोग कम से कम नमाज पढ़ते। जी, बात करें परिवार के लोगों की तो क्या परिवार का कुछ निर्देश आपको दिया गया है? जी, अब हम लोग खुद ही परिवार के सदस्य हैं। हम लोग का सदस्य बस, हम लोग का जिम्मेदारी यहाँ है कि कवर अपना देख रेख सब, यहाँ का कार्यक्रम सही। सर, आप ये